नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञान कुमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकाय, चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदाम्बिकं ददाति स्वप्नान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावनुतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधुजं तदे गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीद्वैतगदाधर श्रीवासदेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादा कृष्ण पृष्ठ श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी निर्विशेष शून्यवाद ओके स्वागत सभी भक्तों का। आज हम श्रीमद् भागवतम चर्चा करेंगे, उसमें भी एक्चुअली मेरे पास पुस्तक नहीं है तो देन आप भी श्लोक आओ अनुवाद तात्पर्य में पढ़ना है। अवश्य प्रभु जी। माता जी सेकेंड कैंटो। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु ये बहुत ठीक है। भगवान सर्वभूतेषु लक्षिता स्व आत्मना हरि दृश्ये बुद्धियादि दृष्टा लक्षणे अनुमापके। आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में उपस्थित हैं, और जब हम देखते हैं तथा बुद्धि की सहायता लेते हैं तब हमें इस तथ्य का अनुभव होता है और इस परिकल्पना की पुष्टि होती है। तात्पर्य, जन सामान्य का ये आम तर्क है कि चूंकि श्री भगवान हमारी आंखों के सामने नहीं दिखते तो फिर कोई किस तरह उनकी शरण में जाए या उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे। ऐसे जन सामान्य हेतु यहाँ पर श्रील शुकदेव गोस्वामी द्वारा व्यवहारिक सुझाव दिया गया है कि मनुष्य तर्क तथा अनुभूति द्वारा किस तरह परमेश्वर का अनुभव पा सकता है। वास्तव में श्री भगवान हमारी वर्तमान भौतिक इंद्रियों द्वारा देखे नहीं जा सकते, किंतु जब जब कोई व्यवहारिक सेवा भाव से श्री भगवान की उपस्थिति के बारे में आश्वस्त हो लेता है तो भगवत कृपा से उनकी अनुभूति होती है, और श्री भगवान का ऐसा शुद्ध भक्त सदैव तथा प्रत्येक स्थान में श्री भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। वह यह अनुभव कर सकता है कि बुद्धि श्री भगवान के पूर्ण अंश परमात्मा का रूप निर्देशन है। सामान्य व्यक्ति के लिए भी ये अनुभव कर सकना कि परमात्मा जन जन के साथ है कठिन नहीं है। इसकी विधि इस प्रकार है, मनुष्य आत्म पहचान का अनुभव करे और सकारात्मक रूप से अपने अस्तित्व का अनुभव करे कि वह विद्यमान है। ये उसे एकाएक नहीं अपितु थोड़ी बुद्धि लगाने पर अनुभव होगा कि वह शरीर नहीं है। उसे अनुभव होगा कि हाथ पाँव सिर बाल तथा अंग प्रत्यंग उसके शरीर के अंश अवश्य हैं, किंतु हाथ पाँव सिर इत्यादि से उसके आत्मस्वरूप की पहचान नहीं हो सकती। अतएव अपनी बुद्धि से वो अपनी आत्मा को अन्य दृश्य वस्तुओं से अंतर करके उसे विलग कर सकता है।
अतएव निष्कर्ष ये है कि जीव चाहे मनुष्य हो या पशु दृष्टा है और वो स्वयं के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं को देख सकता है। अतएव दृष्टा तथा दृश्य में अंतर होता है। अब थोड़ी बुद्धि लगाने पर हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि जो जीव अपने से दूर वस्तुओं को साधारण दृष्टि से देखता है वह स्वतंत्र रूप से देख या चल नहीं सकता। हमारे सारे सामान्य कार्य तथा अनुभूतियाँ उन विभिन्न शक्तियों पर निर्भर है जो हमें प्रकृति द्वारा विभिन्न संयोगों के रूप में प्रदान की जाती है। हमारी कर्मेंद्रियाँ तथा ज्ञानेंद्रियाँ हमें प्राकृतिक शक्ति के स्थूल या सूक्ष्म रूपों की विभिन्न व्यवस्थाओं के द्वारा प्रदान की गई है। ज्ञानेंद्रियाँ 5 है, श्रवण, स्पर्श, दर्शन, स्वाद तथा गंध। इसी प्रकार कर्मेंद्रियाँ भी 5 है, हाथ, पांव, वाणी, मल निकासी अंग तथा जननेंद्रियाँ। हमारी 3 सूक्ष्म इंद्रियाँ इस प्रकार है, मन, बुद्धि तथा अहंकार। कुल मिलाकर 13 इंद्रियां हैं। ये भी समान रूप से स्पष्ट है कि हमारे अनुभव के विषय वस्तुएं प्राकृतिक शक्ति के असीम संयोगों के प्रतिफल हैं। चूंकि इससे ये निर्णायक रूप से सिद्ध हो जाता है कि सामान्य जीव अनुभव या गति करने के संदर्भ में स्वतंत्र नहीं है, और चूंकि हम निश्चित रूप से अनुभव कर सकते हैं कि हमारा अस्तित्व प्रकृति की शक्ति द्वारा प्रतिबंधित हो रहा है, अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो देखता है अर्थात दृष्टा वो आत्मा है और हमारी समस्त इंद्रियां एवं अनुभव के विषय भौतिक है। दृष्टा का आध्यात्मिक गुण हमारी भौतिक बद्ध्यावस्था की सीमित स्थिति के साथ हमारे असंतोष द्वारा अभिव्यक्त होता है। आत्मा तथा पदार्थ में यही अंतर है। कुछ अल्पज्ञ तर्क करते हैं कि कुछ जैव विकास के फलस्वरूप भौतिक पदार्थ से देखने तथा चलने की शक्ति विकसित होती है, किंतु ऐसा तर्क स्वीकार्य नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा प्रयोगात्मक साक्ष्य प्राप्त नहीं है जिसमें पदार्थ से कहीं भी जीव उत्पन्न हुआ हो। भविष्य कितना ही आकर्षक क्यों ना हो, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भौतिक तत्वों से आत्मा के विकास की बात व्यर्थ एवं मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि आज तक विश्व में कहीं भी पदार्थ में देखने तथा गति करने की शक्ति विकसित नहीं हुई। अतएव ये निश्चित है कि पदार्थ तथा आत्मा 2 पृथक सत्ताएं हैं और बुद्धि के प्रयोग द्वारा इस निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। अब हम इस बात पर आते हैं कि जो वस्तुएं थोड़ी बुद्धि लगाने पर दिखती है वे चलित नहीं हो सकती जब तक कि हम किसी को बुद्धि का प्रयोगकर्ता या निदेशक स्वीकार ना कर ले। बुद्धि उसी प्रकार निर्देश करती है जिस प्रकार उच्च अधिकारी निर्देश देता है, और बुद्धि का प्रयोग किए बिना जीव ना तो देख सकता है, ना हिलडुल सकता है, ना खा सकता है और ना ही कोई कार्य कर सकता है। जब मनुष्य बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाता तो वो बेसुध बन जाता है। अतएव जीव बुद्धि पर अथवा किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के निर्देशन पर निर्भर करता है। ऐसी बुद्धि सर्वव्यापी है। प्रत्येक जीव में बुद्धि होती है और ये बुद्धि किसी श्रेष्ठतर अधिकारी का निर्देशन होने के कारण उस पिता के तुल्य है जो अपने पुत्र का मार्ग निर्देशन करता है। ये उच्च अधिकारी परमात्मा है जो प्रत्येक जीव में उपस्थित रहकर उसके भीतर निवास कर रहे हैं। अपने अन्वेषण के सिलसिले में यहाँ हम निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कर सकते हैं। एक और हम ये अनुभव करते हैं कि हमारी समस्त अनुभूतियाँ तथा कार्यकलाप प्रकृति की व्यवस्था द्वारा नियंत्रित है, तो भी हम सामान्यतया ऐसा अनुभव करते हैं और कहते हैं मैं देख रहा हूँ या मैं कर रहा हूँ। अतएव हम ये कह सकते हैं कि हमारी भौतिक ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियां गतिशील है क्योंकि हम अपनी पहचान भौतिक शरीर के रूप में कर रहे हैं और उच्चतर सत्ता परमात्मा हमारी इच्छा अनुसार हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं तथा हमारी इच्छा के अनुसार हमें फल दे रहे हैं।
बुद्धि के रूप में परमात्मा के मार्गदर्शन का लाभ उठाकर हम हमारे इस निष्कर्ष का अध्ययन करना चालू कर सकते हैं और उसे व्यवहार में भी ला सकते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, या हम झूठी पहचान कर सकते हैं और अपने को ही स्वामी या कर्ता मानते रह सकते हैं। हमारे पास ये स्वतंत्रता है कि हम अपनी इच्छा को या तो भौतिक भ्रांत धारणाओं की ओर मोड़े या सही आध्यात्मिक धारणाओं की ओर मोड़े। हम परमात्मा को अपना मित्र तथा मार्गदर्शक समझकर तथा परमात्मा की उच्चतर बुद्धि के साथ अपनी बुद्धि का समन्वय करके सही आध्यात्मिक धारणा प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा तथा आत्मा दोनों ही आत्मा है, अतएव दोनों के गुण एक से हैं और वे पदार्थ से भिन्न हैं। लेकिन परमात्मा तथा आत्मा समान स्तर पर नहीं हो सकते, क्योंकि परमात्मा निर्देश देते हैं या बुद्धि प्रदान करते हैं और आत्मा उस निर्देश का पालन करता है जिससे सही ढंग से कार्य संपन्न होते हैं। आत्मा पूर्ण रूप से परमात्मा के निर्देश पर आश्रित रहता है, क्योंकि देखने, सुनने, सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने इत्यादि में वह पग पग पर परमात्मा के निर्देश का पालन करता है। जहाँ तक सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि तीन प्रकार की सत्ताएं हैं, पदार्थ, आत्मा तथा परमात्मा। अब यदि हम श्रीमद् भगवद गीता या वैदिक ज्ञान में प्रवेश करें तो हम ये भी समझ सकेंगे कि ये तीनों सत्ताएं अर्थात पदार्थ, व्यक्तिगत आत्मा तथा परम आत्मा सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित है। परमात्मा तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आंशिक अभिव्यक्ति है, उनके पूर्ण अंश है। श्रीमद् भगवद गीता पुष्टि करती है कि श्री भगवान अपनी आंशिक अभिव्यक्ति से ही सारे भौतिक जगत में आधिपत्य बनाए हुए हैं। ईश्वर महान है और वे जीवात्माओं के आज्ञा पालक नहीं हो सकते, अतः परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो सकता। जीवात्मा द्वारा परमात्मा की अनुभूति किया जाना आत्म साक्षात्कार का शुभारंभ है और इस आत्म साक्षात्कार की प्रगति होने से मनुष्य बुद्धि द्वारा, मान्य शास्त्रों द्वारा तथा मुख्यतया भगवत कृपा द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति कर पाने में सक्षम होता है। श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण की प्रारंभिक अवधारणा है और श्रीमद् भागवतम उसके आगे ईश विज्ञान की व्याख्या है। अतएव यदि हम अपने संकल्प में दृढ़ रहें और उसी शरीर रूपी वृक्ष में आसीन बुद्धि के निर्देशन की कृपा की याचना करें तो पक्षी रूप में अन्य पक्षी के साथ आसीन है, यानी कि जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है, तो वेदों में दी गई सूचनाएं हमारे समक्ष स्पष्ट हो जाएंगी और तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अतएव बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धि के ऐसे उपयोग से अनेक जन्मों के पश्चात भी वासुदेव के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 7.19 में पुष्टि हुई है। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी तात्पर्य की जगह एक छोटा सा पुस्तक ही लिख दिया। जब ये सुनते वक्त मैं सोच रहा था कि सही में प्रभुपाद जी ने कितना मेहनत किया ना, मतलब कितना हम पढ़ने के लिए सोच रहे हैं। प्रभुपाद जी को तो लिखना था एंड लिखना मतलब इट इज नॉट कि somebody is dictating and you simply write it down, बट उनको कॉन्सेप्ट भी सोचते, बिल्कुल वर्ड्स भी सोचना होगा एंड फिर उसको कैसे प्रेजेंट करें भी सोचना होगा एंड फिर बिल्कुल प्रॉपरली जो श्लोका में जो बताया जा रहा है उसके साथ टैग होना होगा। तो इस प्रकार से सारे चीजों को ध्यान रखते हुए प्रोपाज को तात्पर्य लिखना होता है। इस प्रकार से इतना बड़ा तात्पर्य लिखने के लिए
कितना समय लगता है। कभी हम लोगों को ऐसा करनी चाहिए ना, हम केवल अभी तक पढ़ते हैं सुनते हैं, कभी कहीं कुछ कुछ एक दो पन्ने लिखने का प्रयास करनी चाहिए, तब पता चलेगा कि दो लिखने में किस प्रकार की बुद्धि। जब एक दो पन्ने हम लिखने का प्रयास करें तो पता चलेगा कितना मेहनत प्रभुपाद जी को करना पड़ता है। बिकॉज इट्स नॉट सो इजी टू राइट। हम पढ़ना मतलब, अच्छा मेरा आवाज कट रहे क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, बीच में थोड़ा सा हो रहा था, अभी ठीक है। अभी ठीक है? ठीक है। तो इस प्रकार से शिव कृपा जी कितना मेहनत किए हैं इन सारे चीजों को, हम जैसे मंदबुद्धि लोगों को समझाना भी है इस दौरान, जिनके दिमाग में कुछ आसानी से घुसता नहीं है। जब तीन प्रकार की चीजें बताई जाता है, पदार्थ है, आत्मा है, परमात्मा है, हम तो सोचने में पड़ जाएंगे ये क्या होता है, ये तीन क्या है करके, इन तीनों में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, क्यों तीन में विभाजन किया गया है। हम तो अभी तक तो पांच पंच इंद्रियों के विषय में सुनते हैं, यहाँ पर तो 13 इंद्रियों के विषय में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, 13 इंद्रिया है करके। तो व्हाट इज ऑल दिस? एंड फिर आत्मा परमात्मा के विषय में जैसे प्रभुपाद जी शुरुआत में ही कहा है, आत्मा जहां पर है आत्मा के साथ साथ परमात्मा भी है, आत्मा के साथ साथ परमात्मा भी है। एंड परमात्मा की अस्तित्व को व्यक्ति जैसे श्लोक में बताया जा रहा है अपना बुद्धि को प्रयोग करके समझ सकता है। एंड उस बुद्धि का प्रयोग करके कैसा व्यक्ति भाग समझ सकेगा, तो इसके विषय में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता ही रहे हैं। जैसा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है, ये बात समझता है कि मैं शरीर में आत्मा हूँ, देन फिर तब उन्हें इस प्रकार की बुद्धि दिया जाता है। जैसा कि वैसा गीता में भी हम ये बात पढ़ते हैं, तेषां सद्युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम ये नमामुपियन्ते ते। ददामि बुद्धि, ये बुद्धि जो है व्यक्ति का खुद का अपना नहीं है, रादर ये भगवान का देन है। जैसे यहाँ पर तात्पर्य प्रभुपाद ने समझा है, ये परमात्मा देते हैं ये बुद्धि, जिससे व्यक्ति समझ सकेगा कि ये मैं शरीर में आत्मा हूं करके, ये परमात्मा का देन है। वही बात हमें गीता में भी कहते हैं, मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मेरे से ही स्मृति ज्ञान और अपोहन भूलने का शक्ति, तीनों ही चीज मेरे से ही प्राप्त होता है व्यक्ति को। तो उस प्रकार से वही बात यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि परमात्मा से ही एक आत्मा को शक्ति मतलब उस प्रकार की बुद्धि प्राप्त होता है, जिस बुद्धि से वो ये इस बात को समझ पाएगा कि वो शरीर में आत्मा है करके। तो बट अभी प्रश्न ये उठता है कि परमात्मा कब इस प्रकार की बुद्धि को हमें देंगे? व्हेन विल द लॉर्ड, व्हेन विल द लॉर्ड एम्पावर अस विद सच इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट दिस बॉडी आई एम सो, कब देंगे? प्रश्न ये उठता है। आप लोगों को समझ में आया क्या प्रश्न है? तो ये बुद्धि कब देंगे फिर भगवान? उसके कारण तो भगवान गीता में कहा है, ये तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो सतत रूप से मेरी भजन में मेरी प्रीति पूर्वक प्रेम से मेरी भजन करने में संलग्न रहता है, तो उनको मैं बुद्धि देता हूँ, उनको मैं बुद्धि देता हूँ जो सतत रूप से प्रेम से मेरी नाम जप करता है, मेरी सेवा करता है, मेरे विषय में सुनते हैं, मेरे प्रचार कार्य में भाग लेता है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न जो भजन की क्रियाएं हैं जब व्यक्ति करता है प्रेम से, देन फिर भगवान उनको प्रॉपर बुद्धि देंगे।
प्रॉपर बुद्धि देंगे, जिससे वो अपना आत्म मतलब अपने आप को भी समझ सकता है, भगवान को भी समझ सकता है, भगवान को भी समझ सकता है। बिकॉज जैसा यहाँ पर भी, बिकॉज कोई भी प्रपद जैसे यहाँ पर भी बता रहे हैं, कोई भी अपना इंद्रियों से भगवान को देख नहीं सकेगा, भगवान को अपनी इंद्रियों से देख नहीं सकेगा, बिकॉज भगवान इंद्रियों के परे हैं, इंद्रियों के परे ही, इसलिए भगवान को अधोक्षजा कहा जाता है, अधोक्षजा, अधः अक्षजा, अक्षा मतलब आंखें ही या इंद्रिया। भगवान को इंद्रिया समझने में समर्थ नहीं बनते हैं, एंड यही बात वक्त्र श्याम सिंधु में भी कहते हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय ही, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम, न भवेत ग्राह्यम मतलब ये ग्रहण करने की शक्ति नहीं हमारी इंद्रियों में, भगवत तत्व को, भगवान को न देख सकेंगे, न सुन सकेंगे, न स्पर्श कर सकेंगे, हमारे इंद्रियों में उस प्रकार के सामर्थ्य नहीं है। तो फिर वैसा इंद्रिया जिनके अंदर इस प्रकार के भगवान को अनुभव करने के सामर्थ्य नहीं है, फिर इन इंद्रियों को भगवत अनुभूति करवाने के लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी यही बात कहा है, देन फिर उसके लिए व्यक्ति को भगवान की भक्तिमय सेवा करनी चाहिए। एंड वही बात यहाँ पर भी बताए, सेवोन्मुखो ही जिह्वा दो, जब सेवा सेवोन्मुख होकर अपना जिह्वादि इंद्रियों को जब भगवान की सेवा में जब हम लगाते हैं, देन फिर उस प्रकार से भगवान की सेवा करने से भगवान हमारा इंद्रियों की गोचर में आएंगे। तब भगवान कहते हैं स्वयं एव स्फुरति यदा, देन भगवान स्वयं ही खुद ही स्फुरित होते हैं हमारे इंद्रियों में, स्फुरित होकर देन हम भगवान को अपने आंखों से देख सकेंगे, भगवान को स्पर्श कर सकेंगे, भगवान भगवत प्रसाद की स्वाद असलियत में ले सकेंगे, भगवान नाम को सुन सकेंगे, तो ये सारा कुछ संभव हो पाता है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में इसी बात को बताया जाता है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। वहां पर बताया जा रहे हैं, जिस व्यक्ति ने भी प्रेम अंजन, ये अंजन मतलब ऑइंटमेंट है, प्रेम रूपी ऑइंटमेंट को अपने आंखों के ऊपर लगा लेता है, तो वैसा व्यक्ति प्रेम अंजना इस प्रकार के प्रेम के अंजन को अपने आंखों पर लगाकर जब देखने का प्रयास करता है, तब जाकर भगवान को देखने में वो आंखें समर्थ बनते हैं। देन फिर ऐसा व्यक्ति जिसने इस प्रकार की प्रेम रूपी ऑइंटमेंट को अपने आंखों पे लगाया है, तो वैसा व्यक्ति कैसे मतलब बताया जाए, संत सदैव हृदयेषु, वो हमेशा ही भगवान को देख सकेंगे, दे कैन कॉन्स्टेंटली सी द लॉर्ड। जैसा हम तुलसी तुलसी महाराज की प्रार्थना में गाते हैं ना, क्या गाते हैं, नयन हेरि बो सदा युगल रूप राशि, हे तुलसी महारानी हमें ऐसा आशीर्वाद दो जिससे हमारा नयन मतलब आंखों को आंखें हेरि बो सदा नित्य प्रतिदिन नित्य रूप से युगल किशोर राधा कृष्ण की स्वरूप का दर्शन कर सके, उस प्रकार के आशीर्वाद हमें दीजिए करके। तो यहाँ पर ये तब संभव हो पाते हैं, इस प्रकार से सदा राधा कृष्ण के दर्शन कर कब कैसे कर पाएंगे, जब हम इस प्रेम रूपी अंजन को अपने आंखों पे लगा पाएंगे। बट ये अभी प्रश्न ये उठता है कि ये ऑइंटमेंट कहाँ मिलने वाली है, ये ऑइंटमेंट कौन सा दुकान में मिलेगा और कितना कीमत में मिलेगा, कि हम ये ऑइंटमेंट लाकर अपने आंखों पे जल्द से जल्द लगा सके। ये ऑइंटमेंट जो है तो आपके घर की गली के पार उस पार में जो
दुकान भरा हुआ है वहां पर मिलता है, नहीं है ना, वहां नहीं मिलता। ये अपॉइंटमेंट के विषय में बताया जाता है। ये गुरु प्रदत्त करते हैं, गुरु के पास है, ये गुरु एजेंट है इसका। जैसा होता है ना, कोई भी प्रोडक्ट की एजेंसीज लोग लेकर रखते हैं, फिर आपको वो प्रोडक्ट चाहिए तो उस एजेंट के पास जाकर लेना होगा। तो उस प्रकार का ये एजेंसी गुरु गुरुजनों ने लिया हुआ है। तो वैसा एक दुकान जो है, इसको नोएडा मंदिर में भी गुरु महाराज ने खोला हो, जहां पर ही अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो ठीक है, तो अभी दुकान पता चल गया, अभी कितना कीमत में मिलेगा, 50 रुपये, 100 रुपये, तो कितना क्या कीमत है, तो जिस पे गुरु ये देंगे, मतलब ये बताया जाता है, ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञान अंजन, ज्ञान रूपी अंजन के माध्यम से अपॉइंटमेंट गुरु हमें देते हैं, ज्ञान रूपी अंजन के माध्यम से। चक्षुर उन्मीलितम येन, जन हमारा आंखों को खोल देते हैं, इस प्रकार के अंजन लगाकर आंखों को खोल देते हैं, फिर अपने मतलब उन आंखों से हमें देखने में समर्थ बना देते हैं गुरु। ठीक है, अभी एजेंट पता चल गया, दुकान पता चल गया, अभी क्या कीमत पे, किस कीमत पे, कौन मतलब कैसे मिलेगा। तो इसमें बताया जाता है, इसी को एक प्रकार से हमारा श्री चैतन्य महाप्रभु की टर्मिनोलॉजी में इसको नाम हट्टा कहा जाता है। नाम हट्टा, नाम हट्टा मतलब, हट्टा रिफर्स टू योर मार्केट प्लेस, हट्टा मतलब मार्केट है। तो नाम हट्टा मतलब ये हरिनाम की मार्केट प्लेस है, तो इस मार्केट में आपको बेचा जाएगा। तो फिर अभी ठीक है, इन सारे गुरुजनों की मेन एजेंसी किन की है, मेन एजेंसी किन की है, जो कि इन सारे एजेंट्स को सप्लाई करते हैं गुरुओं को ना, तो वो पूछा जाए। तो इस भजन में कहते हैं नित्यानंद महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु उनका मेन स्टोर है, फिर वहां से सारे एजेंट्स को बांटते हैं। तो उस प्रकार से गुरु महाराज ने भी एक एजेंसी ले रखे हैं। तो फिर यहाँ पर किस कीमत पे बांटते, बताते हैं कि श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन, जिनके पास श्रद्धा है, उस श्रद्धा के बदले में ये हरिनाम मिलेगा, श्रद्धा के बदले में आपको ये हरिनाम मिलेगा। तो इसलिए श्रद्धा होनी होगी, तभी आपको ये हरिनाम मिलने वाली है। अगर आपको श्रद्धा नहीं है हरिनाम में, देन फिर आपको नहीं मिलेगा। तो दिस इज द प्राइस एट विच यू कैन बाई दिस होली नेम ऑफ द लॉर्ड, नाम हट्टा खरीद सकते हैं। फॉर दैट यू हैव टू पे द प्राइस ऑफ फेथ, श्रद्धा की भाव चुकाना पड़ेगा। तो उस प्रकार से जब इस प्रकार की श्रद्धा हमारे में रहेगा, तो उसी से हमें ये हरिनाम मिलेगा। देन फिर आप कहते हैं प्रभु जी, फिर आप प्रेम की बातें कर रहे, फिर बीच में आप हरिनाम पे चले गए। तो हरिनाम और प्रेम ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, हरिनाम और प्रेम अलग चीजें नहीं है, क्योंकि यही बात कहते हैं कि बोलो केर प्रेम दन हरि नाम कीर्तन, गोलोक वृंदावन की जो सच्ची प्रेम है, राधा कृष्ण की जो सच्चा प्रेम है,
वही ये हरिनाम संकीर्तन के रूप में इस दुनिया में प्रकट हुई है। हरिनाम संकीर्तन के रूप में इस दुनिया में जो राधा कृष्ण की जो सच्चा प्रेम है वही हरिनाम के रूप में प्रकट हुई है। बोलो केर प्रेम दन हरिनाम संकीर्तन, है ना। तो इसलिए इस नाम संकीर्तन में भाग लेने पे ही धीमे धीमे विल बी एबल टू बॉडी से देख कि हम डेवलप दिस श्रद्धा या उस प्रकार की प्रेम हम डेवलप कर पाएंगे। देन उस प्रेम जब हम डेवलप कर पाएंगे देन फिर हमारे इंद्रिया समझ बनती है बनते बनती है कि भगवान को देख सकने में हमारे इंद्रिया समर्थ बन जाते हैं। देन फिर भगवान स्वयं भी स्फुरित होते हैं। कृष्णा वुड वुड फॉल इन आवर साइट, जैसे कहते हैं ना वो उस भजन में कि जगन्नाथ स्वामी नयन पद गामी, नयन पद प्लीज फॉल ऑन द पाथ ऑफ माई विजन। मेरी, या दूसरे वचनों में भी कह सकते हैं कि मेरे आंखें जहां पर भी देखे आप ही का दर्शन, जहां जहां मेरी नजर पड़ता है आपका दर्शन हो, या नहीं तो मेरी आंखों की दृष्टि में आप आइएगा, आइएगा अगर ये प्रार्थना है। जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी, नयन पदगामी भवा तुम्हें भवा, प्लीज प्लीज बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ माय विजन। मेरी का जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, विषय है, आप बन जाइए, दृश्य विषय आप बन जाओ, करके यहाँ जगन्नाथ स्वामी से प्रार्थना किया जाता है। तो इसलिए सो दैट इज व्हाई विद वन हु एक्चुअली व्हाट एट सेवा भावना जो अंदर जो विकसित करते हैं, दिस कैप्चर्स द लॉर्ड, ये भगवान को कैप्चर करती है। द सर्विस एटीट्यूड वी हैव डेवलप ना, तो अरे गला हरे कृष्णा। सीन्स लाइक प्रभु जी का नेटवर्क का कुछ इशू है। आप सभी से निवेदन है कि सत्र में बने रहें। प्रभु जी इज ट्राइंग टू जॉइन बाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऑल्सो जब तक प्रभु जी का सानिध्य में पुनः प्राप्त होता है, आप सभी से निवेदन है कि जहाँ तक संभव हो सके अपने डिवाइस के कैमरा को ऑन करें। जब हम किसी भी ऑनलाइन सत्र में अपने कैमरा को ऑन करते हैं तो हम अपने गुरु के प्रति, अपने
टीचर के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। जैसे गुरु महाराज सेशन में कहते हैं कि जब हम जूम मंदिर में आते हैं, या जैसे हम किसी और मंदिर में अपने नोएडा धाम में प्रवेश करते हैं, तो हम शूज को बाहर छोड़ देते हैं और कुछ नियमों का पालन करते हैं। उसी प्रकार जब हम जूम मंदिर में आते हैं, तो इसका नियम होता है जो हमें पालन करना चाहिए यथा संभव, कि हम अपने डिवाइस के कैमरा को ऑन करें। तो आप सभी से निवेदन है, जहाँ तक संभव हो सके अपने डिवाइस के कैमरास को ऑन रखें। प्रभु जी हमें कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सुन प्रभु जी हमारे साथ होंगे और आज के श्रवण महोत्सव को कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण, आ रही आवाज मेरी? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु ओके ओके। ओके श्री राधे राधे। हम क्या बता रहे थे? प्रभु जी, हमने अंजन को खरीदने का और उसको किस तरह से अप्लाई करना है, कैसे हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके विषय में चर्चा कर रहे थे। आप बता रहे थे कि जो हरि नाम प्रभु है और जो प्रेम स्नेह है वो दोनों एक ही है, और इसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। ओके ओके ओके। तो मैं समझा रहा था किस प्रकार से इस हरिनाम प्रभु की आश्रय ही ये प्रेम है, एंड हरिनाम प्रभु के सांगत्य में ही इस प्रेम की आस्वादन कोई व्यक्ति कर सकता है। द मोर क्लोजनेस इन द रिलेशनशिप दैट वी डेवलप विद द होली नेम, जैसा जैसा भगवान नाम के साथ अपने संबंध हम विकसित करते हैं, एंड जैसा जैसा हम अपना रिलेशनशिप डेवलप करते हैं भगवान नाम के साथ, वैसे ही हमारा हमें वो प्रेम की आस्वादन अनुभूति होने लगता है। इसलिए तो इन सारा चीजों के आधार मूल शिला जो है वो हरि नाम ही है, हरि नाम ही है। इसलिए आप हम सभी लोगों को ये हरि नाम जप जो है बहुत ही ध्यान पूर्वक प्रेम से हमें करनी चाहिए, बिकॉज दिस अल्टीमेटली दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर, होली नेम इज द डिसाइडिंग फैक्टर, है ना? वैसा। और एंड श्रील प्रभुपाद जी जैसा मतलब तात्पर्य में समझाइए किस प्रकार से एक व्यक्ति को बुद्धि का प्रयोग करनी चाहिए। एक जस्ट मैं रिसेंटली में पढ़ रहा था जो गजेंद्र मोक्ष के वृत्तांत, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात हमने ये देखा कि गजेंद्र, वैसा तो वो अपना पूर्व जीवन में एक इंद्रद्युम्न नामक राजा थे जो कि भगवान की खूब भक्ति कर रहे थे। फिर उसके बाद किसी ऋषि मुनि के प्रति उन्होंने
अगस्त ऋषि के प्रति उन्होंने अपराध किया, फिर उसके बाद शाप की वजह से उनको हाथी बनना पड़ा। इस प्रकार से इस अवस्था में पड़े हुए थे। एंड उस अवस्था में उस हाथी की रूप में उनको, वो पूर्ण रूप से भगवान को भूल चुके थे। अपना परिवार में पड़कर, अपने अहंकार में पड़कर, फिर वो भगवान को पूर्ण रूप से भूल चुके हैं, कुछ याद नहीं था। बट जैसा वो गजेंद्र जो है वो पानी में नहाने गया, फिर पानी में नहाने जाने के बाद फिर वहां पर एक मगरमच्छ ने उनके पैर पकड़ लिया, देन फिर 1000 साल तक छोड़ ही नहीं। भगवान ने एक सिचुएशन क्रिएट किया गजेंद्र के लिए, एंड वो सिचुएशन को द वे गजेंद्र रिस्पॉन्डेड टू द सिचुएशन ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ हिम, ब्रॉट टू हिम बाय द लॉर्ड, बाय द अरेंजमेंट ऑफ द लॉर्ड, एक्चुअली बिकेम द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द लॉर्ड टू एम्पावर गजेंद्र टू रिमेम्बर हिम। जिस जो भी सिचुएशन परिस्थिति भगवान की योजना और उनके कर्म फलों की वजह से जो भी सिचुएशन उनके सामने आई है, उस सिचुएशन में जो जो अद्भुत ढंग से जो गजेंद्र ने जो रिस्पॉन्ड किया ना, वो रिस्पॉन्स की वजह से ही गजेंद्र को भगवान ने अपने स्मरण दिलाया, उस प्रकार की बुद्धि दिया जिससे वो भगवान को स्मरण कर सके। एंड गजेंद्र ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, ब्यूटी इज दैट इवन आफ्टर सफरिंग फॉर 1000 ईयर्स, 1000 साल तक उस मगरमच्छ की मुंह में फंस कर इतना कष्ट झेलने के बावजूद भी गजेंद्र मगरमच्छ को दोषी नहीं ठहराया, दोषी नहीं ठहराया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अभी ये जो दुख झेल रहा, मैं दुख अभी भोगत रहा हूं इस मगरमच्छ की वजह से है करके, उन्होंने कभी नहीं कहा, कहा ही नहीं। वो यही सोच रहे थे कि ये मेरे ही द्वारा किया हुआ कर्म फलों का, कर्मों का फल है, मेरे द्वारा किया हुआ कर्मों का फल है जिसे मैं अपने ही कर्म फलों को मैं खुद ही भोगत रहा हूं, अपने दिया हुआ कार्यों का फल मैं खुद ही भोग रहा हूं। तो इस प्रकार से सोचने की बजाय उनके अंदर इस मगरमच्छ के प्रति कभी भी रिवेंजफुल एटीट्यूड नहीं रहा, एटीट्यूड नहीं रहा, उस प्रकार की एक सही कॉन्शियसनेस, सही सचेतना के साथ इस सिचुएशन को उन्होंने लिया है, जिसकी वजह से भगवान ने उनको उनको ऐसा बुद्धि दिया है जिस बुद्धि से वो कृष्ण के स्मरण कर सके। इसलिए द लॉर्ड्स एम्पावरमेंट, आई मीन वी रिसीव द लॉर्ड्स एम्पावरमेंट When we are at right consciousness, जब सही चेतना में हम कोई भी कार्य करेंगे, देन फिर भगवान की एम्पावरमेंट को हम अट्रैक्ट करेंगे। तो उस प्रकार से यहाँ पर बुद्धि की बात जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये बुद्धि तब मिलेगा जब हम राइट कॉन्शियसनेस में हम जीवन जीने का प्रयास करेंगे, देन हर समय भगवान हमें एम्पावर करेंगे उनके स्मरण करने के लिए। जैसे यहाँ पर गजेंद्र को एम्पावर किया उनको स्मरण, नहीं तो ये हाथी की शरीर में कैसे वो भगवान के स्मरण कर लेगा ना, हाथी के शरीर में होते हुए भी उनको भी भगवान ने ऐसा शक्ति दे दिया जिससे वो भगवान के स्मरण कर सके, जस्ट बिकॉज उस हाथी के शरीर में रहते हुए उन्होंने एक सही चेतना के साथ उन्होंने उस परिस्थिति को लिया, परिस्थिति को लिया। तो उस प्रकार से है, ये मुझे अच्छा सही लगा, है ना। तो वैसा एंड ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट श्लोक आप पढ़ी। हरे कृष्ण गुरु जी।
तस्मात् सर्व आत्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यः च स्मर्तव्यः भगवान् नृणाम। हे राजन्, अतएव भी आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र तथा सदैव पुरुषोत्तम भगवान का श्रवण करे, गुणगान करे तथा स्मरण करे। तात्पर्य, श्रील सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक को तस्मात् अर्थात अतएव शब्द से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि वे पिछले श्लोक में बता चुके हैं कि भक्ति योग की उत्कृष्ट विधि के अतिरिक्त मोक्ष का अन्य कोई शुभ उपाय नहीं है। भक्तों द्वारा विभिन्न विधियों यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य तथा आत्मनिवेदन से भक्ति योग का अभ्यास किया जाता है। ये 9 प्रामाणिक विधियां हैं और निष्ठावान भक्त इनमें से सभी या कुछ या केवल एक विधि द्वारा वांछित फल प्राप्त कर सकता है। किंतु इन 9 विधियों में से पहली विधि अर्थात श्रवण विधि भक्ति योग में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पर्याप्त तथा समुचित विधि से श्रवण किए बिना अन्य विधियों के अभ्यास से कोई प्रगति नहीं हो पाती, और केवल श्रवण हेतु तो समूचा वैदिक साहित्य भरा पड़ा है, जिसे श्रील व्यासदेव जैसे श्री भगवान के शक्तावेश अवतार ने संकलित किया है। चूंकि ये सुनिश्चित हो चुका है कि श्री भगवान प्रत्येक वस्तु के परमात्मा हैं, अतएव उनका श्रवण तथा कीर्तन सर्वत्र एवं सदैव होना चाहिए। यह मनुष्य का विशिष्ट कर्तव्य है। जब मनुष्य सर्वव्यापी श्री भगवान के विषय में सुनना बंद कर देता है, तो वह मानव निर्मित यंत्रों द्वारा प्रसारित अनर्गल बातों को सुनने का अभ्यस्त बन जाता है। कोई यंत्र बुरा नहीं है, क्योंकि यंत्र से मनुष्य श्री भगवान के विषय में सुन सकता है, किंतु प्रच्छन्न कार्यों के लिए प्रयुक्त होने से यंत्र मानव सभ्यता के स्तर में त्वरित ह्रास ला रहा है। यहाँ पर ये कहा गया है कि मनुष्य के लिए सुनना अनिवार्य है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ इसी उद्देश्य से लिखे गए हैं। मनुष्य के अतिरिक्त अन्य कोई सजीव प्राणी ऐसे वैदिक ग्रंथों का श्रवण नहीं कर सकता। यदि मानव समाज वैदिक साहित्य का श्रवण करे, तो वह उन अपवित्र व्यक्तियों द्वारा उच्चारित अपवित्र शब्द ध्वनि को नहीं सुन पाएगा, जो पूरे समाज के स्तर को गिराने वाले हैं। श्रवण की पुष्टि कीर्तन द्वारा होती है। जो व्यक्ति उचित स्रोत से सुनता है, वह सर्वव्यापी श्री भगवान के विषय में आश्वस्त हो जाता है, और तब वह श्री भगवान का गुणगान करने हेतु प्रोत्साहित होता है। सभी बड़े बड़े आचार्यों ने यथा रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, सरस्वती ठाकुर ने, या अन्य देशों में मोहम्मद, ईसा, हरे कृष्णा प्रभु जी, आप सुन पा रहे हैं? ये अभी पता नहीं क्या आ गया। अच्छा, हाँ, अभी आ, अभी आ। सभी बड़े बड़े आचार्यों ने यथा रामानुचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, सरस्वती ठाकुर ने, या अन्य देशों में मोहम्मद, ईशा तथा अन्य महान चिंतकों ने कीर्तन द्वारा सदैव एवं सर्वत्र श्री भगवान का यशोगान किया है। चूंकि श्री भगवान सर्वव्यापी है, अतएव सर्वत्र तथा सदैव उनका गुणगान करना अनिवार्य है। श्री भगवान का गुणगान करने में देश तथा काल का बंधन नहीं होना चाहिए। यही सनातन धर्म या भागवत धर्म कहलाता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत, सदैव तथा सर्वत्र। भागवत का अर्थ है श्री भगवान संबंधी। श्री भगवान सारे देश काल के स्वामी हैं, अतः श्री भगवान के पवित्र नाम का विश्व भर में श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण होना चाहिए। ऐसा करने से पूरे विश्व के लोगों द्वारा उत्सुकतावश प्रतिष्ठित
और इच्छित शांति और वैभव का प्रादुर्भाव होगा। च शब्द भक्ति योग की अन्य विधियों को सम्मिलित करता है जैसा कि ऊपर वर्णित है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। इसी मतलब इसी टोन में एक और श्लोका भी है, तस्माद् भारत सर्वात्मा करके, उसमें भी भगवान की श्रवण कीर्तन स्मरण करने का ही विषय में बताया जाता है। जैसे यहाँ पर कह रहे तस्मात देयर फोर, इसलिए मतलब ये कंक्लूजन, मतलब अभी तक जितना भी जो कुछ भी डिस्कशन हुआ उस डिस्कशन की एक निष्कर्ष के रूप में श्लोक बताए जा रहे हैं। इसलिए इसलिए आपको क्या करना है, हमेशा सदैव और सर्वत्र, सदैव मतलब ऑल द टाइम, सर्वत्र मतलब हर जगह, सर्वत्र मतलब हर जगह हर स्थान पर और हर समय। तो इसलिए भक्ति एक ऐसा विधि है जिसमें समय, भक्ति में भी खास कर, भक्ति में भी जो नाम जप, नाम की ऐसा महिमा है जिसमें समय काल परिस्थितियों का कोई पाबंदी नहीं है। इसलिए हम कहते हैं ना हरि नाम जप में किसी भी प्रकार की नीति नियम नहीं करके, मतलब नाम लेने में किसी प्रकार की नीति नियम नहीं करके बताते हैं। नीति नियम नहीं होने का मतलब यह है कि समय काल परिस्थितियों का संबंधित कोई नियम नहीं है, जैसा बाकी चीजों के लिए, बाकी अन्य विधियों के लिए आपको मनमाने समय है। कई कई ऐसा कार्य होता है जो कि एक मुहूर्त में ही करना होता है, ऐसा नहीं कि आप कभी भी करने लग जाएंगे। दुष्मुहूर्त, दुर्मुहूर्त से बचते हुए सुमुहूर्त देखते हुए फिर करते हैं, और कई चीजें ऐसे भी होता है कि जैसा सूतक जब लग जाता है, मान लीजिए कि अपना परिवार में कोई शरीर छोड़ दिया, सूतक लग गया, सूतक में आप नहीं कर सकते, कई ऐसा कार्य होते हैं। बट भगवान के नाम एक ऐसा क्रिया है जो कि सदैव मतलब हमेशा ही करनी चाहिए, हमेशा ही करनी चाहिए, हमेशा ही करनी चाहिए, उस प्रकार की है। इसलिए समय का कोई प्राबंध नहीं है। उदाहरण के भगवान के दर्शन भी क्यों ना हो, भगवान के दर्शन भी क्यों ना हो, आप सुबह 6:30 बजे मंदिर आएंगे तो क्या होगा, भगवान के दर्शन नहीं हो पाएगी। बेचारे कई लोगों का हम देखते हैं, वो लोग भागते भागते 5:05 पे पहुंच जाते हैं, 5:05 पे पहुंचते, तब तक मंदिर बंद हो गया, तो फिर उनको 7:30 बजे तक तो रुकना होगा। समय के अनुसार ही हो पाता है दर्शन भी, तो उस प्रकार से विग्रह पूजा इत्यादि इत्यादि जो है वो समय के अनुसार हो पाता है। बट नाम, नाम उस प्रकार से नहीं, वो तो कोई भी समय का कोई पाबंदी नहीं है। उसी प्रकार से समय और स्थान, स्थान का भी कोई पाबंदी नहीं है। आप शमशान में भी भगवान के नाम ले सकते हो, शमशान में विग्रह पूजा नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते मैं अपना लड्डू गोपाल जी को आज शमशान घुमाने ले जाऊंगा, मान ले जाऊंगा फिर वहां पर उनकी भोग लगाऊंगा, नहीं, ये नहीं कर सकते आप। बैराज भगवान के नाम तो आप शमशान में भी ले सकते हैं, कहीं भी आप ले सकते, कोई समस्या नहीं है। तो उस प्रकार से स्थान का भी कोई पाबंदी नहीं है, एंड तीसरा क्या है, परिस्थिति का, परिस्थिति के भी कोई पाबंदी नहीं होता। आप कितना भी अस्वच्छ और अशुद्ध अवस्था में भी क्यों ना हो, आप भगवान का नाम ले सकते हैं।
भगवान के नाम ले सकते हुए नहीं बल्कि लेनी चाहिए, हर अवस्था में भगवान के नाम लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से समय, जैसा कि मतलब मैं बता ही रहा था, जब कोई हमारा घर पे शरीर छोड़ दे फिर सुतक लगता है, हम एक अपवित्र स्थिति में चले जाते हैं, तो उस स्थिति में भी विग्रह पूजा मना कर दिया जाता है कई बार। कई बार विग्रह पूजा मना किया जाता है, बट नाम तो हमेशा ही लेने के लिए कहा जाता है, नाम तो आप ले ही लो, है ना। तो उस प्रकार से इसलिए समय काल पर समय स्थान और पर समय स्थान और परिस्थितियों को कोई पाबंदी नहीं होने के कारण हर नाम के संबंध में कहा जाता है, नाम लेने में किसी प्रकार की नियम नहीं है करके। तो उस प्रकार से ये यहाँ पर जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये 9 विधियों में से सारा विधियों का अपना कर हो या एक विधि को अपना कर भी क्यों ना हो, एक व्यक्ति अपना जीवन घोषित कर सकते हैं। इन सारा विधियों में सर्वश्रेष्ठ विधि है श्रवण करना, सबसे महत्वपूर्ण श्रवण करना। एंड खास करके जो हम जिस स्तर पे बैठे हैं उस स्तर पे तो बहुत ज्यादा ही आवश्यक है श्रवण। जितना ज्यादा आप श्रवण करोगे उतने ही तेजी से आप भक्ति में आगे बढ़ पाओगे। इसलिए सभी लोगों को आदत डालनी चाहिए, श्रवण करने का एक आदत डेवलप करनी चाहिए, ज्यादा ज्यादा श्रवण करने का आदत डेवलप करनी चाहिए। बिकॉज आप श्रवण करते रहेंगे ना देन फिर वो इंस्पिरेशन बना रहेगा अपने अंदर, नहीं मुझे ये करना है करके। अगर आप श्रवण करना आपकी, जैसा आप देखिए ना, श्रवण करना आपकी ढीला पड़ जाता है देन आपकी भक्ति का बाकी सारे अंग भी ढीले पड़ जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं खाना बंद कर दूं, मेरा बाकी सारे इंद्रियों का क्रिया जो है वो बंद पड़ जाएगी, खाना अगर मैं बंद कर दूं, बिकॉज खाने फिर सारे इंद्रियों को पोषण ही नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से ही श्रवण से पोषण मिलता है, श्रवण से पोषण मिलता है, तो इसलिए फिर वो हमें बहुत रेगुलरली एंड बहुत ज्यादा मात्रा में हमें करनी चाहिए श्रवण, जिससे फिर वो इंस्पिरेशन बना रहेगा हमारे अंदर कि नहीं मुझे ये भक्ति करनी चाहिए और चाहे कितना भी समस्या आए फिर भी मुझे करते रहना चाहिए करके। तो इस प्रकार की एक संकल्प हमारे अंदर आएगी जब श्रवण करते रहे तो। एंड साथ ही साथ वैसा तो इस दुनिया में कौन सा ऐसा विषय है जो श्रवण करने लायक है, भगवत कथा से बढ़कर कौन सा ऐसा विषय जिसे श्रवण किया जा सकता है, बाकी सारा तो कचरा ही तो है। बाकी सारा तो कचरा ही है, जिसको उसको ज्यादा ज्यादा सुनने पे तो हमारा मन सारे कचड़े से भर जाता है। तो बेहतर है वो उससे जितना हो सके उतना बचते हुए बचकर व्यक्ति को कृष्ण कथा ज्यादा ज्यादा श्रवण करनी चाहिए। एंड जो आनंद भगवान की कथा सुनने में आता है वो आनंद कहीं भी नहीं मिल पाता है, कहीं भी नहीं मिल पाता है, वो तो है ही नहीं कहीं और, इस प्रकार के आनंद कहीं और है ही नहीं। कृष्ण कथा श्रवण करने में, कृष्ण के विषय में सुनने में, कृष्ण की वचन सुनने में जो आनंद है वो कहीं और नहीं मिलने वाली है। डेफिनेटली अभी के समय पर पीलिया रोग के कारण जिस प्रकार से व्यक्ति व्यक्ति को मिश्री जो है वो कड़वा लगता है, उसी प्रकार से अभी के समय पर हम बीमार होने के कारण हमें इस प्रकार की कृष्ण कथा वगैरह हमें थोड़ा सा कड़वा लग सकता है, बट फिर भी हम सुनते रहने पे देन फिर ये कड़वापन चले जाएगी एंड फिर स्वाद उत्पन्न होगा, एंड स्वाद उत्पन्न होने पे आप छोड़ने का नाम ही नहीं लेंगे। जैसे परीक्षित महाराज जी सुनते हैं सुखदेव गोस्वामी से, 7 दिन 7 रात लगातार खाए पिए सोए बिना, देन हम भी वैसे सुनने लग जाएंगे। तो इसलिए एक एक प्रकार से भी ये भी कहा जाता है कि एक व्यक्ति की भक्तिमय प्रगति का निर्धारण
उनकी श्रवण की सामर्थ्य से निर्धारित किया जा सकता है। श्रवण की सामर्थ्य निर्धारित किया जा सकता है, वो लगातार कितना सुनने में सामर्थ्य रखता है। 1 घंटा, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आधा घंटे में थक जाता है, प्रभु जी अभी इतना अभी हो गया टाइम, आधा घंटा, कोई 1 घंटे में थक जाए, कोई 2 घंटे में, कोई 3 घंटे में, कोई 4 घंटे में, तो बट जो सही में जिनके अंदर ये हरि कथा की प्रति, कृष्ण कथा की प्रति स्वाद उत्पन्न हुई है, तो फिर वो व्यक्ति कभी थकेगा नहीं, वो हमेशा लालायित रहेगा कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए, वो और आतुर रहेगा, वो ही विल डिमांड फॉर मोर एंड मोर कृष्ण कथा। जिस प्रकार से एक लालची व्यक्ति चाहे जितना भी पैसा कमा ले, फिर उनको संतुष्टि नहीं होता, उनको लगता है कि और कमा लिया जाए। इसलिए आप देखिए धनी लोग कहाँ काम धंधा बंद करते हैं, हालांकि वो कई पीढ़ियों को खिलाने का पैसा कमा लिया, बट फिर भी वो काम धंधा बंद करके भक्ति भक्ति करने में बैठते तो नहीं, बिकॉज उनको खूब आनंद मतलब आनंद तो नहीं, वो फंसे हुए बेचारे लोग। तो उस प्रकार से जिस प्रकार की लालच जो है एक व्यापारी के अंदर पैसा कमाने के प्रति रहता है, उसी प्रकार की एक लालच जो है भक्तों में भगवान के विषय में श्रवण करने के प्रति होता है, रहनी चाहिए। एंड जब ये लालच हमारे अंदर उत्पन्न होता है, नाम लेने के प्रति, कृष्ण कथा सुनने के प्रति, कृष्ण की सेवा करने के प्रति, ठीक है, हो सकता है कि हमारे अंदर हर क्रिया के प्रति उस प्रकार के आकर्षण ना भी हो, बट कम से कम किसी न किसी क्रिया के प्रति तो होनी चाहिए। श्रवण के प्रति होनी चाहिए, नहीं तो नाम के प्रति होनी चाहिए, नहीं तो विग्रह सेवा के प्रति वो रुचि होनी चाहिए। कहीं ना कहीं हमारा वो उस प्रकार के स्वाद होनी चाहिए, जिससे फिर व्यक्ति उस क्रिया में वो एब्जॉर्ब, तल्लीन रह सके। अभिनिवेश कहते हैं, अभिनिवेश मतलब एब्जॉर्प्शन, हल मतलब हम अभी अभी के समय पर तो हमारा अभिनिवेश का विषय जो है वो इंद्रिय विषय रहता है, इंद्रिय वस्तु ये रहते हैं अभिनिवेश का वस्तु। अभिनिवेश मतलब जैसा कि हम मान लीजिए कि कुछ श्रवण कर रहे हैं, मान ले अभी आप लोग सुन रहे हैं, बट सुनते सुनते ही कई बार हमारा दिमाग इधर उधर चले जाता है, तो ये बात तो सुन रहे हैं ना, ठीक है, अभी तो दिमाग कहीं चले तो नहीं गया करके, तो चले जाता है। एंड जब चले भी जाता है, देन फिर कई बार एक ही स्थान पर बारंबार चले जाती है, एक ही स्थान पर बारंबार चले जाती है, दैट मींस आवर माइंड इज काइंड ऑफ प्री ऑक्यूपाइड विद दैट पर्टिकुलर थॉट, उस विषय से बिल्कुल प्री ऑक्यूपाई हो चुका है, तो इसको अभिनिवेश कहा जाता है, उस विषय के अभिनिवेश हो गया करके। मतलब आप चाहे कितना भी प्रयास करो अपने मन को हटाने के, बारंबार उसी विषय में जा रहे, उसी विषय में जा रहे, तो वो इसको मतलब वो अभिनिवेश हो गया उस विषय का। उस प्रकार के अभिनिवेश हमें कृष्ण कथा के प्रति, कृष्ण नाम के प्रति होनी चाहिए। इट शुड एब्जॉर्ब एंड ऑक्यूपाई आवर माइंड्स इन सच ए वे दैट कुछ और सुनाई नहीं देना चाहिए, कोई कुछ कहे भी हमें वही हरि नाम ही सुनाई दे रहे, कृष्ण कथा ही याद आ रहे। प्रभु जी आप क्या कह रहे थे, तो समझ नहीं आया, अरे हम हमारा मन तो वहां चले, कहाँ चले, कृष्ण कथा में चलेगी, तो ऐसा होना चाहिए। कल ऐसे ही कोई सी मतलब हम एक कॉन्फ्रेंस कॉल में बात कर रहे थे, तो कुछ कुछ सुख सामने वालों कुछ समझा रहे थे,
देन फिर जो दूसरा व्यक्ति, फिर उसने कहा कि प्रभु प्रभु वो ना अभी आपने जो बताया वो दोबारा रिपीट करेंगे, अभी अभी मेरा मन जो है कहीं चले गया, अभी अभी मेरा मन कहीं चले गया, मैं सुना नहीं ठीक से, आप दोबारा बता देना क्या आपने बताया। तो इस प्रकार से हो जाता है हमारे लिए, हमारे अंदर। तो ये दिस इज व्हाट इज अभिनिवेश, इससे हमें मुक्त होकर हमें वी शुड बी एबल टू एब्जॉर्ब आवर माइंड्स इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण में एब्जॉर्प्शन पाना चाहिए। एंड फॉर दैट श्रवणम इज द बिगिनिंग, श्रवणम सुनने पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये श्लोका इस चैप्टर का लास्ट श्लोका है। पिवन्ति ये भागवत आत्मनः सतां कथामृतं श्रवण पुटेषु संभृतं पुनन्ति देवी शया विदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरण सरोह रुहांतिकम्। जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान श्री कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को कर्ण रूपी पात्रों से भर भर कर पीते हैं, वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवनोद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस जाते हैं। तात्पर्य, मानव समाज के सारे कष्ट दूषित जीवन उद्देश्य अर्थात भौतिक संसाधनों पर प्रभुत्व जताने के कारण है। मानव समाज अविकसित भौतिक संसाधनों का जितना ही दोहन अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करता है, वो उतना ही श्री भगवान की भ्रामक भौतिक शक्ति यानी कि माया द्वारा बनता जाता है और इस प्रकार विश्व के कष्ट घटने के बजाय बढ़ते जाते हैं। श्री भगवान मानव जीवन की समस्त आवश्यकताओं की यथा अन्न, दूध, फल, लकड़ी, पत्थर, चीनी, रेशम, रत्न, कपास, नमक, जल, सब्जी आदि की प्रचुर मात्रा में पूरी करते हैं, जिससे विश्व की मानव जाति के साथ ही ब्रह्मांड के प्रत्येक ग्रह के अन्य जीवों का भी भरण पोषण हो सके। पूर्ति के सारे साधन हैं और न्याय संगत प्रणाली से अपनी आवश्यकता प्राप्त करने हेतु मनुष्य को थोड़ी सी शक्ति व्यय करने की आवश्यकता होती है। जीवन में कृत्रिम रूप से सुविधाएं उत्पन्न करने हेतु यंत्रों तथा औजारों या बड़े बड़े इस्पात उद्योगों की आवश्यकता नहीं है। जीवन कभी कृत्रिम आवश्यकताओं द्वारा विश्रामदायक नहीं बनाया जा सकता। वो तो सादा जीवन उच्च विचार से ही विश्रामदायक बनता है। यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी ने मानव समाज के लिए उच्चतम चिंतन का सुझाव दिया है। ये है श्रीमद् भागवतम का ठीक से श्रवण करना। इस कलयुग के मनुष्यों ने जीवन की पूर्ण दृष्टि खो दी है और ये श्रीमद् भागवतम उनके लिए प्रकाश पुंज के समान है, जिससे असली मार्ग देखा जा सकता है। श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद ने इस श्लोक में आए कथामृतम शब्द की व्याख्या की है और ये संकेत दिया है कि श्रीमद्भागवतम श्री भगवान का अमृतमय संदेश है। श्रीमद्भागवतम के पर्याप्त श्रवण से जीवन के दूषित लक्ष्य प्रकृति पर प्रभुता जताना शमित होगा और संसार भर के लोग ज्ञान तथा आनंद के साथ शांतिमय जीवन बिता सकेंगे। श्री भगवान के शुद्ध भक्त के लिए श्री भगवान के नाम, यश, गुण, पार्षद आदि से संबंधित कोई भी कथा आनंददायक होती है और चूंकि ऐसी कथाओं का अनुमोदन नारद जी, हनुमान जी, नंद महाराज जी तथा वृंदावन के अन्य निवासियों द्वारा किया गया है, अतएव ऐसे संदेश निश्चय ही दिव्य तथा हृदय एवं आत्मा को भाने वाले हैं।
यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी आश्वस्त करते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता तथा उसके पश्चात श्रीमद् भागवतम की कथाओं को निरंतर सुनते रहने से मनुष्य श्री भगवान के पास पहुँचकर विशाल कमल सदृश गोलक वृंदावन नामक आध्यात्मिक ग्रह में श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा कर सकेगा। इस प्रकार इस श्लोक में बताई गई भक्ति योग की विधि को प्रत्यक्ष स्वीकार कर लेने से अर्थात श्री भगवान की दिव्य कथा के पर्याप्त श्रवण से श्री भगवान के निर्विशेष विराट रूप की धारणा का चिंतन किए बिना ही मनुष्य का भौतिक कल्मश प्रत्यक्ष रूप से दूर हो जाता है। यदि अभ्यासकर्ता भक्ति योग का अभ्यास करने से भौतिक कल्मश से शुद्ध नहीं हो पाता तो उसे छद्म भक्त समझना चाहिए। ऐसे पाखंडी के लिए भवबंधन से छूटने हेतु कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत हृदय में श्री भगवान नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण बोल जी। बहुत सुंदर श्लोक है ना, तो सभी लोगों को वो पात्र प्राप्त करनी चाहिए जिस पात्र में भर भर कर पी सकते हैं। श्रवण पुटेशु, अपने कानों को ही पात्र बना लेना चाहिए, बता रहे अपने कानों को ही पात्र बनाकर उसमें कृष्ण कथा को भर भर कर हमें पिबंती पीना चाहिए। श्रीमद् यही दवाई है हमारी बीमारियों को ठीक करने की, यही दवाई है। जैसे टॉनिक देते हैं ना, सुबह दो वो टॉनिक का वो डब्बा देते हैं, ठीक है आप इसमें भर भर कर आप टॉनिक पी लेना, तो वैसा हमारे लिए अभी के समय पर तो टॉनिक ही है कृष्ण कथा, तो टॉनिक की तरह हमें ले लेनी चाहिए पर्याप्त मात्रा में, एंड सही में काम भी करता है। जो इसमें जो दूसरा सेंटेंस में जो बताई, पुनंती विदूषित आशयम, पुनंती मतलब शुद्ध करती है, प्यूरिफाई कर देती है। किस चीज को पूरी प्यूरिफाई करेगी? विदूषित आशयम, मेरे जीवन की दूषित आशय को शुद्ध करके एक शुद्ध उद्देश्य मुझे अपना जीवन को देती है। जैसे हम सभी लोगों के जीवन ही देखो, हम भक्ति में आने के पहले ये सारे कृष्ण कथा वगैरह सुनने के पहले हमारा जीवन का डायरेक्शन, लक्ष्य, दिशा सब कुछ कुछ और ही था ना। हम किस विवर बहुत एमलेस एंड डायरेक्शनलेस, कोई लक्ष्य भी निर्धारित नहीं था और कोई डायरेक्शन भी नहीं था। एंड फिर जैसा हम भक्ति में आए, फिर ये सारे बातें हम सुनने लगे, फिर धीमे धीमे हमें एक लक्ष्य भी मिल गया एंड फिर एक डायरेक्शन भी मिल गया आगे बढ़ने के लिए। तो फिर वही बात यहाँ पर बताई है ना, विदूषित आशय, विदूषित आशय को हमारे हमारे केस में तो शुद्ध किया ही है ना। फिर इसका मतलब अभी आप सभी लोग, हालांकि अभी के समय पर तो काफी कुछ कर ही सकते हो, टीवी देख सकते हो, कहीं मॉल में जा सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते थे, बट फिर भी अभी बैठकर आप लोग सुन क्यों रहे हैं? वो भी ऐसा आधा अधूरे इंटरनेट के साथ, जब बार बार बीच बीच में ब्रेक भी हो जा रहे बट फिर भी लगे हैं। Why are you taking so much pain? Just because you have some higher purpose, एक ऊंचा उद्देश्य है आपकी जिसके लिए आप सुन रहे हैं। मतलब एक तो यही उद्देश्य भर भर कर आप लोग पी रहे हैं, तो अच्छा है। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि मतलब हम भी भक्ति में आने के पहले सुअर की तरह कौन सा नाले में हम घुमा करते थे, पता नहीं। एंड आज यू जस्ट इमेजिन व्हाट वी वर बिफोर कमिंग टू डिवोशन एंड व्हाट वी आर नाउ। भक्ति में आने के पहले हम क्या थे और अभी क्या है, और सोचे तो दिन फिर लगता ही नहीं कि मैं वही हूं करके।
लगता ही नहीं है, कम्प्लीटली एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है हमारी अंदर, जो कि भक्ति में आने के बाद हम देख सकते हैं अपने को। तो ये सारा कुछ ये श्रवण का ही महिमा है। तो यहाँ पर बताया, जब पुनंति विदूषित आशयम, दूषित आशय को, दूषित एम को, दूषित उद्देश्य को वो शुद्ध कर देती है। तभी इफ यू कीप ऑन हियरिंग, अगर इसी प्रकार से हम सुनते रहेंगे, देन हमारे हर कार्य का जो भोगने की प्रवृत्ति, जो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जो कह रहे हैं ना, जो भोग वृत्ति जो होता है जनरली, उस वृत्ति जो है वो सेवा वृत्ति के में परिवर्तित हो जाता है। सेवा वृत्ति के रूप में परिवर्तित हो जाए, जो भोग वृत्ति जो है सेवा वृत्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, जैसा जैसा हम श्रवण श्रवण करते हैं। तो इसलिए श्रवण करने का परिणाम के रूप में क्या होना चाहिए, हमारे अंदर सेवा भाव बनना चाहिए, सेवा करने की भावना बढ़नी चाहिए, कि वी शुड बी मोर एंड मोर ईगर टू सर्व सर्व द लॉर्ड, सर्व हिज डिवोटीज, सर्व हिज मिशन। तो उस प्रकार की ईगरनेस आतुर व्यक्ति और ज्यादा ईगर होनी चाहिए। सो देन ये पुनंति विदूषिताशय, पुनंति एंड ये जो हम क्या सुनते हैं, दैट इज गोइंग टू डिटरमाइन हाउ वी थिंक एंड हाउ वी रिस्पॉन्ड, और हाउ वी एक्ट। सब कुछ ही हम क्या श्रवण करते हैं उसके ऊपर निर्भर होता है, इसके ऊपर निर्भर होता है। इसलिए हमें एज मच एज पॉसिबल बाहर की दुनिया की चीजों को हमें अवॉइड करनी चाहिए। बाहर की म्यूजिक हो, बाहर की जो म्यूजिक हो, एंड बाहर की जो न्यूज हो, एंड बाहर की न्यूज़पेपर, इंटरनेट ब्राउजिंग इत्यादि, इसको एज मच एज पॉसिबल इसको मिनिमाइज करके, ठीक है आपको जानकारी प्राप्त करना है, ऐसा नहीं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है आपको पता नहीं है, तो फिर लोग पता होनी चाहिए, बट उसका डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, मतलब सभी का स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं। आज मोदी जी का क्या नया स्टेटमेंट बांग्लादेश के ऊपर, अमेरिकन प्रेसिडेंट की क्या स्टेटमेंट है, उन्होंने जो अभी इंडिपेंडेंस डे जो स्पीच दिया, तो उसमें मतलब कहाँ कहाँ पर क्या क्या कहा है, तो इस प्रकार के पूरा एनालिसिस करके आपको डिटेल्स निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल को आपकी कोई परीक्षा नहीं लेने वाले हैं। हमारा परीक्षा अल्टीमेटली मृत्यु के समय भगवत स्मरण से होने वाली है, वो अल्टीमेट परीक्षा होगी। बाकी आप इंडिपेंडेंस डे की स्पीच याद किया या नहीं किया कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा, बट ठीक है जानकारी रख ले तो। बट तो इस प्रकार से वी शुड नॉट बी डिवोटिंग मच ऑफ टाइम टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इन सारा चीजों के लिए बहुत ज्यादा समय हमें डिवोट नहीं करनी चाहिए, इन न्यूज व्यूज इस चक्कर में। तो वी शुड एब्जॉर्ब वन सेल्फ इन हियरिंग मोर एंड मोर अबाउट कृष्णा, रीडिंग मोर एंड मोर अबाउट कृष्णा, चैंटिंग, तो इन चीजों में हमें एब्जॉर्ब रहना चाहिए। एंड जैसा जैसा आपकी जीवन का लक्ष्य दृढ़ होता जाएगी ना, आपकी विदूषित आशय वो शुद्ध हो जाएगी, एंड वैसे वैसे ही आपकी जीवन में हर कार्य भी वो और प्यूरिफाई हो जाएगी, और प्यूरिफाई हो जाएगी। व्हाट इज द मेजर ऑफ द प्योरिटी ऑफ एन एक्टिविटी, द प्योरिटी ऑफ पर्पस, उद्देश्य की शुद्धता है। आप कोई भी कार्य क्यों कर रहे हैं,
तो उससे निर्धारित होता है कि आपकी कार्य कितना शुद्ध है। तो इसलिए वो प्योरिटी ऑफ पर्पस हमें उद्देश्य की शुद्ध शुद्धता हमें मेंटेन करनी चाहिए। ठीक है, फिर यहां समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच प्रभु जी। जैसे प्रभु जी ने बताया, आपने से कोई डिवोटी आज के सत्र से संबंधित कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हैंड रेस करें। सुमन शर्मा माता जी, प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एंड ये श्लोक याद करो सभी लोग। ठीक है, याद कर सकते हैं। मे भी मतलब कितना सुंदर है, सुनने में ही इतना इतना अच्छा लग रहा है। श्रवण पुटेशु पुनंति विदूषिताशय। मैं अभी पढ़कर सुन, एक बार सुनकर मुझे ये लाइंस याद हो गई। मतलब कितना सुंदर एक एक शब्द ना। तो एक्चुअली अनलेस एंड अंटिल वी फॉल इन लव विद द श्लोक वी कैनॉट रिमेम्बर द श्लोक। वी शुड लिटरली फॉल इन लव विद दैट। इसलिए आप पहले प्रेम करना सीखो, फिर याद अपने आप हो जाएगी। आप बहुत इम्पर्सनल रहेंगे, अरे मुझे क्या मतलब है कौन सा श्लोक क्या है, तो फिर कुछ नहीं पड़ेगा। आप प्रेम करेंगे तो फिर श्लोक अपने आप याद हो जाएगी। कई बार लोग लगता है कि श्लोक याद नहीं होता। यू डू नॉट रिमो यू आर नॉट एबल टू रिमेम्बर बिकॉज यू डू नॉट लव। आप प्रेम ही नहीं करते उससे। मतलब ऐसा कितना सुंदर लोग इसको कितना और क्या कहूंगा, कितना सुंदर है। अच्छा है, हमें प्रेम करनी चाहिए। यस हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु धन्यवाद। यस जी, प्रभु जी आपने जैसे बताया वो गजा वो हाथी के बारे में, जो आपने बताया कि भगवान भगवान उन पर कृपा करते हैं, उनको वो उनकी चेतना वो ऐसी देते हैं कि वो भगवान को याद कर पाता है। तो प्रभु जी एक चीज, मतलब क्या भगवान की कृपा और हमारे कर्म फल जो है वो दोनों क्या साथ साथ रहती है? भगवान की जो लीला है या जो भी कृपा है, क्या हमारे कर्म फल अगर हमें मिलते हैं तो उसमें भगवान की ही कृपा होती है? मतलब तो ये चीज थोड़ा सा नहीं समझ में आया प्रभु जी। ये कर्म फल और भगवान की कृपा कैसे एक दूसरे के साथ चलता है। देखिए, रूपा जी एक तात्पर्य में ही बताते हैं कि हमारा जीवन में जो भी कर्म फलों की वजह से जो भी हमें दुख इत्यादि मिलने वाले वाला है, वो भगवान काफी हद तक कम करके देते हैं। कम करके देते हैं क्योंकि कोई पूछ सकते प्रभु जी, फिर जब कृपा कर ही रहे तो पूरा कर देना, कम ही करके क्यों देना है, पूरा ही निकाल दे। तो ऐसे भी लग सकता है, भगवान अगर पूरा निकाल देना एंड भक्ति भी पूरा बंद कर देंगे हम। भक्ति भी पूरा बंद कर देंगे बिकॉज भक्ति व्यक्ति तब तक, मतलब अभी हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई पीछे से पिटाई कर रहे हैं। नहीं तो ना फिर वी बिकम कम्प्लेसेंट, बहुत ही हम कम्प्लेसेंट बन जाते, पता नहीं हिंदी में क्या कहेंगे, बहुत हम लाइटली और बहुत हल्के में लेने लगेंगे भक्ति को। तीव्रता के साथ भगवान के नाम भक्ति हम नहीं करेंगे। तो इसलिए भगवान इस प्रकार के कर्म फलों का हमारा जीवन में आने देते हैं। हालांकि भगवान तो पूर्ण रूप से तैयार है सब कुछ ही खत्म करने के लिए। वैसा भी हमारे आचार्य विश्वनाथ शंकर ठाकुर कोई कहते हैं कि जैसा कोई व्यक्ति भक्ति में सीरियस बनते हैं, उनकी सारे कर्म फलों को भगवान नष्ट कर देते हैं, करके सारे कर्म की अकाउंट ही भगवान नष्ट कर देते हैं। बट फिर उस व्यक्ति को फिर ये सुख दुख कहाँ से मिल रहे हैं,
सुख दुख उनको मिल रहे हैं। सुख मिलता है भक्ति से, जो सहज स्वाभाविक सुख जो मिलता है उसकी वजह से सुख मिलता है, एंड अपराधों की वजह से उनको दुख मिलता रहेगा। अपराधों की वजह से दुख मिलेगा, एंड भक्ति की वजह से जो सहज सुख मिलता है वो मिलता है। तो उस प्रकार से भक्तों के जीवन में जो भी सुख दुख मिलता है वो इन दोनों की वजह से मिलता है, ना कि कर्म फलों की वजह से। इस प्रकार से भी एक्सप्लेनेशन देते हैं, बिकॉज उनका कर्मिक अकाउंट ही डिलीट कर दिया। कर्मिक अकाउंट डिलीट कर दिया, वो है ही नहीं। तो अभी मिल रही इन दोनों की वजह से, अपराधों की वजह से दुख, और सुख जो है भक्ति का सहज फल के रूप में मिलता है। तो उस प्रकार से भी है, बट फिर भी जैसे मैंने कहा, इस प्रकार के दुख इतना भी मात्रा में भगवान इसलिए आने देते हैं ताकि व्यक्ति बहुत हल्के में ना ले भक्ति को, एंड गंभीरता पूर्वक भक्ति करे एंड फिर आगे बढ़े। तो उस प्रकार से भगवान इसलिए भक्ति भक्ति करते वक्त अगर कोई समस्या आता भी है उसको हम भगवान की कृपा के रूप में देख पाते हैं, बिकॉज यस मैं बहुत हल्का लेने लगा तो इसलिए भगवान थोड़ा सा टाइट करने के लिए ये समस्या दे दिया, अभी मैं सीरियसली भक्ति करूंगा करके करेगा। तो उस प्रकार से वो उनके देखने का नजरिया बदल जाता है, ये भगवान की कृपा होता है। एक तो कम करके देते हैं, एंड उतना भी इसलिए देते हैं ताकि हम भक्ति में बने रहें, और इसलिए उसको कृपा ही कहा जाता है। इस प्रकार से कृपा और कर्म की रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट। धन्यवाद। प्रभु जी, जस्ट अ क्लारिफिकेशन, कैन यू से दैट दी मर्सी ऑफ लॉर्ड इज प्रोपोर्शनल टू दी डेप्थ इन डिवोशन? द मोर डिफिकल्टी वी प्रोग्रेस इन डिवोशन, देयरफॉर दी डिफिकल्टी इज प्रोपोर्शनल टू दी मर्सी। मतलब डेफिनेटली ये तो है ही कि भगवत कृपा जो है वो डिवोटी ऑलवेज मेक्स एन अटेम्प्ट टू अट्रैक्ट द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। आई मीन ऑल द साधना एंड सेवे ही डज, इट इज सिंपली मेंट टू अट्रैक्ट द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। बट इसमें क्लॉज ये है कि वी कैन नॉट से टू बी सिंपली प्रोपोर्शनल, बिकॉज लॉर्ड इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। हो सकते भगवान कृपा ना भी करे, उनकी मर्जी है, मर्जी उनकी है, कृपा दिखाए या ना दिखाए। इसलिए कोई ये नहीं कह सकते प्रभु जी मैं 108 माला कर रहा हूं तो फिर कृपा होगी ना, नहीं, मर्जी तो भगवान की है। आप 108 कर लो, 192 कर लो, बट फिर भी कृपा करना है नहीं करना भगवान डिसाइड करेंगे, ये भगवान की इच्छा है। इसलिए इवन आफ्टर डूइंग 192 राउंड्स वन हैज टू डिपेंड ऑन द मर्सी ऑफ द लॉर्ड ओनली, बिकॉज मर्सी ऑफ द लॉर्ड इज एब्सोल्युटली कॉजलेस। कॉजलेस है, कॉजलेस का मतलब ही होता है। थैंक यू ठीक सो है, मच प्रभु जी फॉर द वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। अक्षय माता जी प्लीज अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, माय क्वेश्चन इज ऑन द गजेंद्र इंस्टेंस ओनली, जो अभी आपने बताया लेक्चर में। इफ यू कुड हाईलाइट यूजिंग अवर डे टू डे लाइफस्टाइल प्रैक्टिस, जो आपने कहा कि रिवेंजफुल एटीट्यूड ना रखते हुए ही अट्रैक्टेड द मर्सी। सो माय क्वेश्चन इज ऑन द सेम लाइंस, दैट हाउ अवर एटीट्यूड, बिकॉज गॉड भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं, नेवर कंसिडर योर सेल्फ एज द कॉज ऑफ द रिजल्ट दैट यू गेट। आई एम द सोल प्रोप्राइटर एंड आई एम द सुप्रीम कंट्रोलर। सो हाउ द एटीट्यूड बिकेम द डिसाइडिंग फैक्टर, इफ यू कुड हाईलाइट दैट पॉइंट। एटीट्यूड कम्स फ्रॉम द इंडिविजुअल एंटिटी, दिस इज माई क्वेश्चन, राइट? आई डिसाइड हाउ आई रिस्पॉन्ड। सो हाउ दिस अफेक्ट्स द ओवरऑल सिचुएशन? डेफिनेटली दिस इज कॉल्ड वृत्ति, एटीट्यूड। वृत्ति इन संस्कृत, इसको वृत्ति कहते हैं। एटीट्यूड जो है तो सी जिस एटीट्यूड के साथ हम कोई कार्य करते हैं, दैट कैन हेल्प वन अट्रैक्ट द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। जैसा कि यहाँ पर बताया गया ना,
सेवोन्मुखो ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरति अतः। जब सेवोन्मुख हो जाता है जिह्वा इत्यादि इंद्रिया, उस प्रकार की सेवा वृत्ति, सेवा के एटीट्यूड उनके अंदर डेवलप हुई है, उससे क्या हुआ, स्वयं एव स्फुरति अतः दे वर एबल टू अट्रैक्ट द लॉर्ड हु इन टर्न इंस्पायर्स हिज प्रेजेंस और हिज परवेसिवनेस, हु इन टर्न इंस्पायर्स हिज प्रेजेंस स्वयं एव स्फुरति अतः। तो उस प्रकार से यहाँ पर एटीट्यूड और भगवान की रेसिप्रोकेशन का हम कनेक्शन देख सकते हैं। ये जैसा सेवा वृत्ति इंद्रियों में डेवलप हुआ, भगवान हमारी इंद्रियों का गोचरण की शक्ति में आ गया, इंद्रियों की दृष्टि में आ गया, भगवान अपने इंद्रियों को समर्थ बना दिया, भगवान को देखने में सुनने में इस प्रकार से समर्थ बना दिया, स्वरति हो गया। तो उस प्रकार से कृष्णा रिस्पॉन्स टू द एटीट्यूड हियर, बट स्टिल ही इज नॉट बाउंड, ही इज नॉट बाउंड, ही इज फ्री, बट स्टिल जनरल प्रिंसिपल ये है कि ही रिस्पॉन्स टू द एटीट्यूड इन दिस वे, बट वी के नॉट बाइंड हिम विद दिस, ये रूल है करके नहीं कह सकते, कृष्णा इज अबव ऑल रूल्स। तो इस प्रकार से दैट इज वाई ये रिवेंजफुल एटीट्यूड नहीं होगा ना। इसलिए भागवत में भी एक जगह कहते हैं कि वही व्यक्ति शांति शांतिमय जीवन जी सकता है जो बदला लेने की भावना को छोड़ चुका है, क्योंकि जो बदला लेने की भावना के साथ रहता है वो हमेशा वही बदला लेने की अग्नि में वो स्वयं ही जलता रहेगा, स्वयं ही जलता रहेगा। सो दैट्स वे ही कैन नेवर बी एट पीस। तो ये बदला लेने की भावना, जैसे यहाँ पर गजेंद्र ने छोड़ छोड़ दिया, उनको ब्लेम नहीं किया कि आप ही कारण हो करके, बल्कि टूक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे द्वारा किया हुआ कर्मों की फल है ये, मैं वही चीज में भोगत रहा, इस प्रकार से सोचा। देन फिर भगवान ने उनको स्फुरित किया, स्वयं एव स्फुरति अधः, स्फुरण दिया कि ठीक है आप मेरे स्मरण कर सकते हो। दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराली पांडे माता जी, प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्ण प्रभु जी, गणवर प्रणाम। प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी, मेरा आज की क्लास से क्वेश्चन है कि जब से मेरी जॉब लाइफ स्टार्ट हुई है तो 2 बार मेरी साधना अच्छी नहीं हुई थी, तो मैंने भगवान से प्रे किया था बहुत इंटेंसली। तो एक बार तो मुझे टाइफाइड वर्क हो गया था, और अभी 2-3 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो मतलब 2 बार ऐसा हुआ है। तो अभी ऐसा हुआ है कि पहले जब टाइफाइड हुआ था तो मेरी जॉब छूट गई थी 2 महीने के लिए, फिर मैंने अगेन ज्वाइन कर लिया था। और इस बार ऐसा हुआ है कि परमानेंटली घर वालों ने बोला है कि अब जॉब नहीं करनी है, तो अभी परमानेंटली छुट्टी मिल गई है, तो अब घर पे रह के साधना भी कर सकते हैं और अच्छे से भक्ति भी कर सकते हैं। तो प्रभु जी, क्या भगवान की मर्सी है? क्यों नहीं, क्यों नहीं, अच्छा है। जैसा हम भी जॉब छोड़ दिया, हम भी तो जॉब छोड़ दिया, ये स्पेशल प्रेरोगेटिव स्त्री के शरीर में रहने पे मिलता है, ये स्पेशल प्रेरोगेटिव, मतलब एक तो ह्यूमन बर्थ स्पेशल प्रेरोगेटिव है, एंड ह्यूमन में भी कई कई बार लोग फीमेल बॉडी को इंफीरियर सोचते हैं, बट दिस इज अ स्पेशल प्रेरोगेटिव। तो पुरुष को तो जॉब करना ही होगा, बट महिलाओं को तो चॉइस है, दे कुड आई मीन इफ दे गेट सच अ अपॉर्चुनिटी, तो उनको मजबूरी नहीं है, देन दे कैन यूटिलाइज ऑल द टाइम इन कृष्णा सर्विस। ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ठीक है, प्रभु जी, कैन वी हैव यस फ्यू मोर क्वेश्चन? पूजा गर्ग माता जी, प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें।
हरे कृष्ण। पूजा गर्ग माता जी आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु बिल्कुल प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि मैं मतलब घर की सिचुएशन ऐसी नहीं है, तो मैं थोड़ा सा छुपके नाम जाप करती हूँ। पर नाम जाप करती हूँ तो या तो रोने लग जाती हूँ, और या भय की वजह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती। तो उसका क्या उपाय है प्रभु जी? हाँ गौर श्रवणम श्रवणम में दिक्कत आती है उससे, या तो मैं रोने लग जाती हूँ, आर्त भाव आ जाता है, तो मेरे से वर्ड्स ही नहीं निकलते, और या बोलती हूँ लेकिन भय की वजह से ध्यान रखना पड़ता है कि कोई आ रहा है या जा रहा है, तो उसकी वजह से मेरा ध्यान जो है श्रवण में एक आता है लेकिन बार बार वो कहीं और खिंचता जाता है। तो इसलिए मेरा जो है ना चैंटिंग में मुझे बहुत बहुत रात को मैं रोती हूँ कि मेरा चैंटिंग सही नहीं हुआ है, तो उसका क्या उपाय है प्रभु जी? मदद इसमें सबसे पहला तो हमारे भाव कभी भी सेवा में बाधा नहीं बनना चाहिए। भाव सेवा में वो पोषक होनी चाहिए बट बाधा नहीं बननी चाहिए। जैसा कि एक बार राधा कुंड की तट पे ही कृष्ण को एक गोपी चामर डुला रही थी। कृष्ण को एक गोपी चामर डुला रही थी। चामर डुलाते डुलाते क्या हुआ कि वो एक क्षण के लिए भगवत स्मरण में, भगवत भाव में ऐसा मतलब ऐसा अभिनिवेश होगी, मतलब ऐसा एब्जॉर्ब होगी कि वो चामर रुक गई। चामर रुक गई, उनको पता भी नहीं चला चामर रुक गई। देन फिर तुरंत भक्ति देवी प्रकट होकर फिर डांटने लगी। भक्ति देवी प्रकट होकर डांटने लगी, अरे तुम्हारी कौन सी भाव है, आपने चामर ही डुलाना बंद कर दिया। चामर डुलाना बंद कर दिया। एंड दूसरे एक जगह पर हमने ये भी सुना था कि मतलब एक बार गोपिया है फॉरगॉट कि खोजती है कि पता नहीं ये आंखों से आंसू क्यों निकलता है, जब ये आंसू निकलता है भगवान के दर्शन नहीं हो पाता, आंसुओं से भर जाने पे भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे करके आंसुओं को कोसने लगे। तो इस प्रकार से भजन में ये भावना मदद करनी चाहिए। मतलब श्रवण, अगर श्रवण में श्रवण आपका और बेहतर होनी चाहिए, अगर सही सही प्रकार की मतलब प्रामाणिक भावना हो, देन फिर आपकी भावनाएं आपको सुनने में, कहने में और समर्थ बनाएगी या बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से। एंड दूसरा, आप अगर अपनी जप को इम्प्रूव करना है, देन अगर सीरियसली करना है, देन फिर दो तीन बातें आपको करनी होगी। एक तो आप भक्तों के संगति में आकर जप करने का प्रयास करना होगा। मंदिर आकर भक्तों के साथ बैठकर जप करने का अभ्यास करें। एंड दूसरा, हम आगे जाकर कुछ कैंप्स ऐसा रखेंगे जिसमें साधना का मतलब उस प्रकार से जप कराएंगे। एंड फिर वो जपा रिट्रीट की तरह ही हम करेंगे, तो वैसा कैंप्स में आप भाग ले सकते हो, जिससे बिकॉज फिर वहां पर फोकसली करवाया जाएगी एंड फिर ट्रेनिंग दिया जाएगी कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्या सोचना है, किस प्रकार की टिप्स क्या है, तो फिर वहां पर आप आकर वो मदद भी ले सकते हो। तो अभी तक तो मैं ये दो बता सकते हैं। तीसरा, आप ये भी कर सकते हो कि जपा के संबंध में हमारी इस्कॉन में आचार्यों ने कई सारे पुस्तकें लिखे हैं, जैसा कि परम पूज्य सचिदानंद स्वामी महाराज जी, गुरुजन प्रभु वगैरह ने। तो
तो उनमें से एक पुस्तक को आप प्राप्त करके आप प्रतिदिन वो पढ़ने का प्रयास करें। ये तीन चीजें आप करिए जो भी आपके लिए संभव हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। शैली गोयर माता जी, प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने जैसे अभी बताया ना कि हमें अपने श्रवण को और ज्यादा इम्प्रूव करना चाहिए, कि मतलब हमें कानों को ऐसा पात्र बनाना चाहिए, क्योंकि श्रवण से बहुत शक्ति मिलती है। तो प्रभु जी, सच में थैंक यू फॉर दी सेशंस। आप जब भी सेशन देते हैं ना, तो जैसे अभी मुझे ना सुबह से बहुत हेडेक हो रहा था, बहुत तेज माइग्रेन हो रहा था, तो मैं सेशन अटेंड तो मैं कर रही थी, लेकिन मुझे बीच बीच में ना समझ नहीं आ रहा था। लेकिन एंड होते होते सेशन ना मेरा सर दर्द थोड़ा तो कम हो गया प्रभु जी। तो मैं वही सोच रही थी कि कितनी एनर्जी होती है भक्तों में और आप में। तो मतलब प्रभु जी, मतलब आपके थ्रू हमें भगवान जी की कृपा मिल रही है, उनके बारे में सुनने और समझने को मिलता है ना, तो थोड़ी सी एनर्जी हम में आती है। नहीं तो हम तो ना, अगर 2-4 दिन या 2-4 हफ्ते आपको ना सुन पाए ना प्रभु जी, तो हमारी एनर्जी डिस्चार्ज हो जाती है पूरी। तो प्रभु जी, बस प्रश्न छोटा सा यही था कि जैसे आप तो बहुत, मतलब आपका संग तो बहुत बहुत कम और बहुत मतलब मुश्किल से मिल पाता है, तो कैसे और ऐसा संग बढ़ाएं कि हम ना गलत दिशा में नहीं भटके कभी भी। मतलब ऐसे ही आप जैसे और अच्छे अच्छे भक्तों का, वैसे तो सभी भक्त अच्छे हैं प्रभु जी, लेकिन ना सभी लोग जैसे बोलते हैं हॉस्पिटल में हैं हम सब लोग, तो कभी कभी मेरे साथ ऐसे होने लगा है कि दूसरे डिवोटीज को देखते देखते ना हम इतना बह जाते हैं, उनको फॉलो तो करते रहते हैं, फिर कभी कभी अचानक से ना पता चलता है अरे हम कुछ गड़बड़ हुई बीच में और गलत भी फॉलो करने लग गए। मतलब कोई और भक्त अगर कुछ गलती कर जाता है गलती से, तो हम ब्लाइंडली, क्योंकि हम तो सब कोई अच्छा अच्छा समझ लेते हैं, और फिर कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है तो हम भी वही गड़बड़ करने चल पड़ते हैं। तो फिर रियलाइज होता है कि अरे ये तो ये नहीं करना था, उन्होंने भी करा तो हमने भी कर लिया, डबल डबल हो गया अपराध। तो प्रभु जी, वही है कि भक्ति का संग मिल रहा है और आपके थ्रू तो बिल्कुल ही प्योर मिलता है, या और भी प्रभु जी हैं, शाह चक्षुदास प्रभु जी हैं, तो प्रभु जी इसको और कैसे बढ़ाए। मतलब डेली डेली 1 घंटे का सुने किसी भी तरह, चाहे सर दर्द हो रहा हो, पेट दर्द हो रहा हो, लेकिन सुनना है बस, ऐसा लगता है कि सुन के ठीक हो जाएगा। तो प्रभु जी उसकी थोड़ी कृपा करें कि हम लोग में भी इतनी एनर्जी आए कि हम लोग थके नहीं श्रवण करने में। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा, आपके अंदर वो उत्सुकता है सुनने का या संग लेने का। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिजायर तो होनी चाहिए, एंड दूसरा मेरे यही कहना है कि अगर कृष्णा ऑफर्स मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज टू अस एज एंड व्हेन ही सीज दैट वी आर टेकिंग ऑफ दी एडवांटेज ऑफ द करंट अपॉर्चुनिटीज, जो भी अपॉर्चुनिटी जो भी मौका भगवान ने अभी का समय दिया है उसका आप कितना सिंसियरिटी के साथ आप फायदा ले रहे हैं उसके आधार पे भगवान और अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खोलेंगे, और अपॉर्चुनिटीज और मौका है आपके लिए खोलेंगे। तो उस प्रकार से आपको भक्तों का संगति और वरिष्ठ भक्तों का संगति करने का मौका ये भगवान की कृपा से मिलता है। जैसा जैसा भगवान देखेंगे आप कितना सिंसियरली आप अभी जो अपॉर्चुनिटी मिला है उसका आप फायदा ले रहे हैं ना, तो उसके ऊपर उसके अनुसार फिर भगवान आपको और अपॉर्चुनिटीज देंगे। तो उस प्रकार से आप सिंसियरली भगवान से प्रार्थना करो, जैसा नाम जप में एक प्रार्थना होता है, स्वभक्त द्वारा भजन ज्ञान दानेन मच्चित्तम सोदया। भगवान अपनी कृपा से मेरे को ऐसा भक्तों को संगति दो जिससे मैं आपके विषय में और जान सकूं, स्वभक्त द्वारा भजन और भजन के विषय में और बातें जान सकूं, एंड उस प्रकार से जानकर मैं आपके भजन और अच्छे ढंग से कर सकूं, और मत चित्तम शोधे उस प्रकार से मेरी हृदय को शुद्ध करने में मदद करे करके इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना किया जा सकता है भक्तों की संगति ज्यादा ज्यादा
हमें देने के लिए। ठीक है, हरे कृष्ण, यह समाप्त करते, धन्यवाद। हरे कृष्णा थैंक यू सो धन्यवाद। मच प्रभु जी। सोम चौधरी प्रभु जी, आपका प्रश्न पाक करें, लिख लें, नेक्स्ट सत्र में जरूर हम प्रभु जी से आपका प्रश्न पूछेंगे। तो आइए हम सब प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी ने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला और हमें प्रभु जी लीलाओं का अमृत पान करने का मौका दिया थ्रू ओरल परसेप्शन। So let's chant Hare Krishna Mahamantra once and offer our obeisance to Prabhuji. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Once again, Prabhuji, Dandavat Pranam. Thank you so much, Prabhuji, for taking out time and blessing us with a wonderful session. Thank you so much, Prabhuji. थैंक यू सो मच। आप सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपना वक्त निकाला और हमें अपना एसोसिएशन प्रदान किया। आज हम थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। हमेशा जो होस्ट होते हैं वो आज हमने क्या सीखा इसको पैराफ्रेज करते हैं। आज तीन चीजें हम पॉइंट करते हैं और मैं निवेदन करूंगा आप में से जो भी पैराफ्रेज करना चाहें, एक पॉइंट एक डिवोटी, प्लीज हैंड रेज करें, वर्चुअल हैंड रेज करें और सभी को बताएं आपने आज के सत्र से क्या सीखा। तो पहले कौन बताना चाहेंगे? प्लीज रेज यो अपना वर्चुअल हैंड रेज करें और हमें बताएं कि आज के सत्र में आपने क्या सीखा, प्रभु जी की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी। हरे कृष्णा, देव की माता जी, प्लीज अनम्यूट करें और शॉर्ट में बताएं कि आज के सत्र में आपने क्या सीखा। एक पॉइंट। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज के सत्र में हमने ये सीखा कि नौ नौविधा जो भक्ति है ना, उसमें से एटलीस्ट चाहे हम कितने ही बिजी शेड्यूल में हैं इस कलयुग में, कैसे भी कितने ही बिजी शेड्यूल में, हमें श्रवण बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। श्रवण जो अपने कर्ण से ना, हमें अपने कानों से, मतलब उसको एक भागवतम की कथा का श्रवण करना चाहिए। और हमारे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना, अपने इसमें यूट्यूब के माध्यम से हमारे प्रभु जी के रिकॉर्डेड, उसको हम सुन सकते हैं। बुक नहीं कैरी कर सकते, वो हमारे इसमें वेदा में वो भी है प्रभु जी, भागवतम का भी, वो भी पीडीएफ वाला हम पढ़ सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में, मेट्रो में जा रहे हैं, कैसे भी, मतलब हम माया के चंगुल में नहीं फंसेंगे प्रभु। मतलब ये हरी मैंने, ये बिल्कुल उत्तम जो बात सुनी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। बोल, हरी बोल। बिल्कुल सही कहा माता जी आपने। हमें अपने दिन के 24 घंटे का जो वक्त होता है, जिसे हमने सोने का वक्त निकाला है, वैसे हमें पठन और श्रवण के लिए भी हर दिन कुछ वक्त कुछ समय फिक्स करना चाहिए। ये हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए अच्छा होगा। तो थैंक यू सो मच माता जी। निराली पांडे माता जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी निराली माता जी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। माता जी ने बताया कि उनका एक्सीडेंट हुआ है और वो ठीक नहीं है, तो लेट्स चैंट हरे कृष्ण महामंत्र एंड प्रे टू लॉर्ड कि वो जल्दी से ठीक हो और अपनी भक्ति में प्रोग्रेस करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस माता जी, प्लीज अनम्यूट एंड शेयर योर हरे पॉइंट कृष्णा व्यू। प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कुछ दिनों से मेरी चैंटिंग अच्छे से नहीं हो रही, तो आज प्रभु जी ने बहुत सुंदर बताया कि हरि नाम ही जो है वो एक हमारी भक्ति में, अगर हमें प्रेम मिलेगा तो हरि नाम से मिलेगा। तो हमें हरि नाम को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि हरि नाम जो है वो प्रेम धन है। तो इसलिए हमें अच्छे से चैंटिंग करने की कोशिश करना है भक्तों के संग में, और उससे ही हमारी अल्टीमेट भक्ति में प्रगति होगी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। तो इसके साथ आज के सत्र को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप सभी का अपना अनुभव शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना समय निकाल कर हमें अपना एसोसिएशन प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं और सभी के आध्यात्मिक उन्नति और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं आज के सत्र को विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।